अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ व्हाइट चिकन, तो मैं इसका रेसिपी बताती हूँ आपको। ये देखिए 700 ग्राम चिकन है, तो मैं इसको धोने का रेसिपी बताती हूँ। जैसे ये नमक डाल दिया है मैंने, ये देखिए 1.5 चम्मच नमक है, मैं इसके अंदर डाल दूँगी। आप नींबू भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, चाहिए विनेगर एक ढक्कन डाल दीजिए। इससे क्या होता है, इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है वो निकल जाता है, इसका साफ हो जाता है बिल्कुल। तो इसमें डाल रही हूँ मैं विनेगर, एक ढक्कन है ये। इसमें डालूंगी मैं 1 गिलास पानी, मैं इसको थोड़ा हाथों से हिला लेती हूँ। अब को मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि इसका स्मेल जो है वो निकल जाए। मैं इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो मैं सबसे पहले ये देखिए 18 से 20 दाना बादाम का है, ये 1 कटोरी मैंने भर के काजू लिया है, तो ये मैं दोनों को एक साथ पीस लूँगी बारीक करके बिल्कुल। ये मैंने पीस लिया है, ये देखिए। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसी में मैं ये प्याज भी पीस लूंगी। ये देखिए मैंने प्याज भी पीस लिया, इसे भी निकाल लेती हूँ। ये देखिए 10 मिनट हो चुका है इसको। अब मैं इसको धो लूंगी, चिकन धो लिया है बिल्कुल। मैं आपको बताती हूँ उसका रेसिपी। तो ये दो तेज पत्ता है, एक दालचीनी का टुकड़ा है दो, एक जावित्री है, एक काली मिर्च है, 18 से 20 दाने और 6-7 दाने छोटी इलायची है, नमक स्वाद अनुसार है, और ये हरी मिर्च है, 6 से 7 हरी मिर्च मैंने काट रखे हैं, ये कसूरी मेथी है। देखिए मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है, मैं इसमें डालूंगी तेल। तेल 4 चम्मच के करीब। अब मैं इसमें डालूंगी ये खड़े मसाले, अब मैं इसमें डालूंगी ये प्याज जो मैंने पीस के रखा हुआ था। ये देखिए मेरा प्याज हो चुका है, ज़्यादा लाल नहीं करना है, बिल्कुल वाइट रहेगा। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट जो 3 से 4 चम्मच। ये हमारा हो चुका है मसाला, अदरक लहसुन पेस्ट जो था वो भुन चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी चिकन, अभी हमने चिकन इसमें डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे, अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम नमक, नमक हमें स्वाद अनुसार ही डालना है। अब हम इसमें डालेंगे दही, ये 100 ग्राम करीब दही है। ये देखिए मैंने इसमें दही डाल दिया है, अब इसको हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए। जिसमें का जो पानी निकलता है दही का, इसी में गोश हमारा थोड़ा गल जाएगा,
तो अब हम इसको ढक देते हैं। ये मेरा 10 मिनट तक हो चुका है, ये देख लेते हैं एक दफा। हो चुका है, अब मैं डालूंगी क्रीम। इसका फ्लेम हाई कर देती हूँ। ये हरी डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, लाल और हरी दोनों लिया मैंने। अब मैं इसमें डालूंगी काजू और बादाम जो पीसा था मैंने। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी। अब हम इसको ढक देते हैं, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दूंगी। 10 मिनट और पकाना है बस इसको। देखिए हम इसको देख लेते हैं कहाँ तक पहुँचे हैं साहब। देखो पानी इसका जल चुका है। अब हम इसको थोड़ा देर भून लेंगे अच्छे से। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी। आपके घर में कोई भी मेहमान आते हैं जैसे फटाफट आप इसको ये बनाकर खिला सकती हैं, पराठे के साथ चाहे नान के साथ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टफुल है। तो आइए देखिए हम इसको देख लेते हैं, ये हमारा गला या नहीं गला, देखते हैं। इसको गल चुका है ये, देखिए बिल्कुल गल चुका है ये। इसको हम 1 से 2 मिनट तक और रखेंगे, थोड़ा और गल जाएगा। जैसे ये बड़ा बड़ा रान वगैरह जो है ये अच्छे से गल जाएगा। ये मैं थोड़ा सा इसमें पानी और डाल दूंगी क्योंकि इसका पानी सारा जल चुका है। आप भी अपने हिसाब से पानी इसमें रख सकती हैं, जो तरी होता है इसका। जैसे ये बस, तब मैं इसको ढक देती हूँ 5 मिनट और ढक देती हूँ। पहले मैंने इसको 10 मिनट के लिए ढका था, अब ये और ज़्यादा अच्छे से पक जाएगा। देखिए 5 मिनट हो चुका है, देख लेती हूँ मैं इसको। बिल्कुल तैयार हो चुका है ये, तेल सारा ऊपर आ चुका है। अब मैं इसको गैस को बंद कर देती हूँ। गैस मैंने बंद कर दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा कटा हुआ धनिया, बारीक कटा हुआ है। अब मैं इसको सर्व कर लूंगी। ये देखिए मैं निकाल लेती हूँ इसमें। देखिए बिल्कुल व्हाइट घोस्ट बना है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। देखिए मैंने सर्व कर लिया है, जैसे मैंने बनाया है वैसे बनाकर देखिए आप, बहुत टेस्टफुल बनता है ये। और बनाएं खाएं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।